नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी विवि और कॉलेजों में जल्द मिलेगी निशुल्क वाईफाई। जाति गणना को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई बिहार सरकार। राज्य के 9 और जिलों में शिक्षा भवन का होगा निर्माण। बिहार के हर आदमी को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने की कवायद। अब चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को सरकार लाएगी ढूंढकर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बीसीई सीईबी में 10,000 से अधिक पदों पर आवेदन करने का आज अंतिम मौका। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन, कानूनको एवं लिपिक सहित 10,101 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके लिए आवेदन का अंतिम मौका है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे आज तक ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। इस भर्ती के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को स्नातक डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एवं निर्धारित वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जाति गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई बिहार सरकार। बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी और साथ ही बिहार सरकार के द्वारा की गई याचिका की किस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। वहीं अब बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहां याचिका दायर कर यह कहा है कि जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को रद्द किया जाए और साथ ही एक बार फिर से जातिगत जनगणना को शुरू करने का निर्देश दिया जाए। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार के द्वारा याचिका दायर करवाई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगी, उसको लेकर अब तक कोई तारीख सामने नहीं आई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम चतुर मल्लिक के बारे में। पंडित राम चतुर मल्लिक भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी और देश का नाम रोशन किया। मल्लिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोक गीतों के अनुपम गायक थे। एक शास्त्रीय गायक कलाकार के रूप में पंडित राम चतुर मल्लिक 1949 में उन्हें आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के विशिष्ट कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें बिहार संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप प्रदान की थी। 1957 में बम्बई की सुर श्रृंगार संसद द्वारा इन्हें मानपत्र और ताम्रपत्र प्रदान किया गया। 1964 में बिहार के राज्यपाल A.S. अयंगार ने ताम्रपत्र की उपाधि से विभूषित किया और उसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1976 में फ्रांस सरकार ने राम चतुर मल्लिक के ध्रुपद धमार रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए चुना था। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें तानसेन की उपाधि, बिहार सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि और खड़गगढ़ ने इन्हें टी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। बिहार के सभी विवि और कॉलेजों में जल्द मिलेगी निशुल्क वाईफाई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बहुत जल्द ही निशुल्क वाईफाई मिलने वाली है। बता दें कि इसके लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से दी जाने वाली सुविधा को जल्द 100% किया जाए और साथ ही इसकी नियमित तौर पर समीक्षा भी की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान दी गई है। मालूम हो कि इस दौरान उन्होंने कई प्रकार की अन्य जानकारियां भी हासिल की और साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए। आज से धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा का होगा आगाज। बिहार में पिछले काफी दिनों से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई थी। वहीं आखिरकार अब उनके कार्यक्रम की शुरुआत आज से होने ही वाली है। बता दें कि उनके हनुमंत कथा की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ शुरू होने वाली है। वहीं 15 मई को दिव्य दरबार लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में किया जा रहा है। मालूम हो कि आज कलश यात्रा में लगभग 25,000 महिलाएं शामिल होने वाली है और फिर ये सभी महिलाएं कलश को बजरंग बली के
20 फुट ऊंची मूर्ति के नीचे इकट्ठा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कलश यात्रा की शुरुआत नौबतपुर थाना के पास स्थित मोतीपुर हाई स्कूल से होगी और इस यात्रा में बैंड बाजा, हाथी और घोड़े भी मौजूद होंगे जो यात्रा की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। कार्यक्रम को लेकर सभी एसओपी का पालन किया जा रहा है। मौके पर 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे और साथ ही 50 से अधिक मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। इस दिन से चल सकती है रांची पटना वंदे भारत ट्रेन। बहुत जल्दी पटना से रांची जाने वाले लोगों को केंद्र सरकार की ओर से रांची पटना वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत मई के आखिरी सप्ताह तक हो सकती है। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि ट्रेन के परिचालन को लेकर हटिया यार्ड के वॉशिंग एरिया में तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही यहां मेंटेनेंस को लेकर भी पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया है। मालूम हो कि रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के परिचालन के लिए ट्रैक की भी तैयारी कर ली गई है और साथ ही 25,000 वोल्ट ओवर रेटेड वायर भी लगाए जा चुके हैं। मालूम हो कि इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से यात्री 9 घंटे की दूरी को महज 6.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। बता दें कि इस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई जा सकती है। राज्य के 9 और जिलों में शिक्षा भवन का होगा निर्माण। राज्य सरकार के द्वारा दूसरे चरण के तहत 42 करोड़ रुपए के खर्च से बिहार के और 9 जिलों में शिक्षा भवन के निर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि दूसरे चरण के तहत राज्य के जिन 9 जिलों में शिक्षा भवन का निर्माण किया जाना है उनमें मुंगेर, बेगूसराय, सुपौल, रोहतास, किशनगंज, शेखपुरा, कटिहार, जमुई व बांका जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भवन के निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा 2.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। मालूम हो कि यह भवन अत्याधुनिक होगा और इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही इस भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी सुविधा होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा पहले चरण के तहत राज्य के 7 जिलों में शिक्षा भवन निर्माण की मंजूरी दी गई थी जिसमें मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, नवादा व शिवहर जिले शामिल थे। बिहार में जमीन खरीदने बेचने के लिए यह डॉक्यूमेंट होगा जरूरी। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने या बिक्री करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल राज्य में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े को रोका जा सके इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में जमीन एवं फ्लैट की खरीद बिक्री के लिए तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि इस नई व्यवस्था को लेकर सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभागीय आदेश के अनुसार जमीन एवं फ्लैट के निबंधन से पहले क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के आधार का सत्यापन किया जाएगा और साथ ही उंगलियों का भी सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही आगे के कामों को अंजाम दिया जाएगा। मालूम हो कि इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे मछली तालाब के बारे में। मछली तालाब मुंगेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जगह है। यह जगह धार्मिक भी है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर शिव मंदिर के बड़े से तालाब के बीच में बना हुआ है। यह तालाब चौकोर आकार का है। इस तालाब के बीच में बने शिव मंदिर में जाने के लिए पुल बना हुआ है। मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखने के लिए मिलती हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं। इसलिए इस जगह को मछली तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यह मुंगेर में घूमने लायक जगह है। बिहार के हर आदमी को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने की कवायद। बिहार के हर आदमी को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ा जाए इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर खूब प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि इस प्रयास के तहत अब यह निर्णय लिया गया है कि वैसे लोग जो बीमा योजना से नहीं जुड़े हैं उनके लिए राज्य के हर पंचायत में प्रत्येक शनिवार को विशेष कैंप लगाया जाएगा। मालूम हो कि इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के सचिव विवेक जोशी के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया गया है। इसके साथ ही वित्त विभाग के द्वारा भी राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है और कैंप लगाने के लिए बैंकों को प्रशासनिक मदद देने की बात कह दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 94.75 लाख और 1.76 करोड़ लोग खाता धारक बीमित हुए हैं। 33वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार के टीम का हुआ गठन। आज से 14 मई तक ऊना हिमाचल के राजकीय स्कूल ऊना में शुरू होने वाले 33वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार के टीम का गठन कर लिया गया है और साथ ही चयनित हुए इन खिलाड़ियों को
किट भी प्रदान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जूनियर पुरुष टीम का चयन किया गया है, वह चयन परीक्षण के दौरान प्रतिभा और खेल कौशल के आधार पर किया गया है, जो आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मालूम हो कि चयन किए गए खिलाड़ियों की संख्या 15 है, जिनमें अभिराज, हिमांशु, युवराज, मणिशंकर, विवान आनंद, मोहित राज, सत्यम कुमार, तन्मय कुमार, प्रिंस कुमार, कुमार अभिनव, दीपक कुमार, अनिकुल कुमार, अंकित कुमार के नाम शामिल है। इन खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन हेतु बिहार थ्रोबॉल के अध्यक्ष संजीव कुमार के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जारी हुए यूपीएससी 2024 का एग्जाम कैलेंडर। अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसकी विभिन्न परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यूपीएससी 2024 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि यूपीएससी 2024 के विभिन्न परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक लोग यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर जारी किए गए कैलेंडर को देख सकते हैं। इस कैलेंडर को देखकर उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी कि इस वर्ष 2024 में यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षा होने वाली है, जिसके हिसाब से वे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल जारी किए गए यह एग्जाम कैलेंडर सांकेतिक है, यानी कि इसमें बाद में भी बदलाव किया जा सकता है। बिहार से हज जाने वाले यात्रियों के लिए कई तरह के इंतजाम। अगर आप भी इस बार हज की यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि हज यात्रा में जाने वाले जायरीनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए बिहार राज्य हज कमेटी के द्वारा उनके लिए कई तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। मालूम हो इस प्रबंध के तहत जायरीनों को गया एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कमेटी के द्वारा वोल्वो बस का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही वैसे जायरीन जो कोलकाता एयरपोर्ट से हज यात्रा पर जाने वाले हैं, उनके लिए कमेटी की ओर से खाने और रहने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हज यात्रियों के लिए हज भवन में 19 मई से रहने और खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार राज्य से हज यात्रा पर जाने वाली पहली जत्था गया व कोलकाता एयरपोर्ट से 21 मई को निकल रही है, वहीं अंतिम जत्था 6 जून को निकलेगी। मालूम हो कि इस बार बिहार से कुल 5638 लोग हज यात्रा पर जाने वाले हैं। बिहार के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। बिहार में गर्मी से लोगों का फिलहाल राहत नहीं मिलने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में 13 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पारा 41 से 43 डिग्री तक जाने की संभावना है। प्रदेश के 19 जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें पटना, बक्सर, शेखपुरा, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई के बाद मौसम में सुधार हो सकता है। 14 मई को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, हवा में नमी रहेगी जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन मोजा का असर बंगाल, झारखंड के साथ साथ बिहार के कुछ हिस्सों में भी हो सकता है। बिहार के इन 6 जिलों में बनेंगे मॉडल पालना घर। बहुत जल्दी बिहार के 6 जिलों में महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से मॉडल पालना घर का निर्माण करवाया जा रहा है। बता दें कि बिहार के जिन 6 जिलों में मॉडल पालना घर का निर्माण किया जा रहा है उनमें भोजपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, नालंदा, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार का एक और जिला है जहां मॉडल पालना घर बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि जिस जिले में मॉडल पालना घर तैयार हो चुका है वह खगड़िया है। मालूम हो कि इस पालना घर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से बनाए जा रहे पालना घर का लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि वे अपने बच्चों को यहां रख सकती हैं। यहां पर बच्चों के पढ़ने लिखने से खेलने तक की सुविधाएं मौजूद होंगी। मालूम हो कि इन 6 जिलों में मॉडल पालना घर के निर्माण को लेकर 8.06 लाख रुपए निगम की ओर से भेजे जा चुके हैं। अब चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को सरकार लाएगी ढूंढकर। आज के दौर में मोबाइल फोन हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन कई बार ये हमसे गुम हो जाते हैं या किसी के द्वारा इसे चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे में हम काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर हमारा फोन गुम होता है या चोरी होती है तो हमारे फोन को सरकार ढूंढेगी और हमारे पास लेकर आएगी। दरअसल हाल ही में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लोगों की फोन और डाटा चोरी का समाधान निकाला गया है। बता दें कि मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, का काम चोरी हुए चीजों को ढूंढना है। हालांकि यह सर्विस लोगों को 17 मई से मुहैया कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोर्टल की मदद से आप फोन को ढूंढने के साथ साथ उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं और इसके साथ ही आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड पर कितने नंबर एक्टिव हैं। सिरसा के मकबरे से जुड़े PIL पर इस दिन होगी सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा सिरसा के मकबरे के पास बने बड़े तालाब में स्वच्छ पानी आने के लिए बने नाले को बंद होने को लेकर वकील कन्हैया लाल भास्कर के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा बताया गया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश देते हुए कहा गया था कि वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करें। वहीं पिछली सुनवाई में
हाईकोर्ट को बताया गया था कि सासाराम स्थित सिरसा का मकबरा राष्ट्रीय धरोहर है और यहां तालाब में साफ और ताजा पानी आने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च करके एक नाला बनवाया गया था, लेकिन 2018 से 20 तक में नाले का केवल 50% काम ही पूरा हो सका, जिसके बाद में यह भी खराब माना गया और अब नाला कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, जिससे सिरसा के मकबरे के तालाब में साफ पानी नहीं पहुँच पा रहा। 13 मई से पैसेंजर वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस की जांच होगी शुरू, देना होगा 12,500 रुपए जुर्माना। बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के सभी जिलों में स्कूल बसों के साथ सार्वजनिक परिवहन में लगाए जाने वाले व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस युक्त पैनिक बटन की जांच की शुरुआत 13 मई से होने वाली है। बता दें कि इस जांच के दौरान अगर किसी स्कूल बसों या सार्वजनिक परिवहन में यह डिवाइस लगाया हुआ नहीं पाया जाता है तो वाहन चालक को 12,500 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी परिवहन कार्यालय से जारी नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के सभी स्कूल बसों या सार्वजनिक परिवहन में इस डिवाइस को लगाना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मालूम हो कि यह निर्देश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले सीएम नीतीश। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता के मुहिम के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और फिर शरद पवार से मुलाकात की। बता दी कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि बहुत से लोगों से बात हो गई है, अब आगे जो करना होगा वह करेंगे। मेरा और इनका विचार एक ही है कि देश के हित में काम करें। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो, हम सब मिलकर लड़ेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री मोदी जी पहली बार आए हैं, उनकी मंशा सब जानते हैं। सीएम नीतीश विपक्ष और देशभक्तों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को गुलाम बनाने वालों को घर भेजेंगे। वहीं शरद पवार से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि शरद पवार को न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि सीएम नीतीश ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने का मिशन अपने हाथ में लिया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया पीएम। बीते दिन आरसीपी सिंह के द्वारा दिल्ली में भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बताया और साथ ही उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को आज देखना चाहिए कि देश कहाँ है और बिहार कहाँ है। वे सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं, वे आज विपक्षी एकजुटता को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीएम नीतीश खुद को पीएम मानते हैं और सभी उन्हें पीएम कहते भी हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनको पीएम ही कहता हूँ। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे, लेकिन पीएम का मतलब यहाँ पलटी मार है। उन्होंने कहा कि आखिर नीतीश कुमार ने अपनी क्या पहचान बनाई है, कितनी बार इन्होंने विश्वासघात किया है। वहीं उनके इस बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया है कि वह पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे और वह हम लोग के दल से तो पहले ही चले गए थे, इसलिए उनके जाने से बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जीडी से बदला लेने के इरादे से उतरेगी एमआई। आज आईपीएल 2023 का 97वां मुकाबला गुजरात और मुंबई के बीच वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। यह मुकाबला गत विजेता और आईपीएल के 5 विजेता के बीच में होने जा रहा है। दोनों ही टीमें मैच जीतकर अपने जीत के सिलसिला को जारी रखना चाहेगी। बता दें कि गुजरात की टीम पूरे आईपीएल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। गुजरात की टीम ने 11 मैचों में 8 में जीत का स्वाद चखा है, तो वहीं महज 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में यह टीम 16 अंकों के साथ पहले पायदान पर पहुंची है। वहीं मुंबई की टीम अब तक 11 मैच खेल चुकी है, जिसमें 6 मैचों में जीत का स्वाद चखा है, जबकि 5 मैचों में इन्हें हार सामना करना पड़ा। पॉइंट टेबल में यह टीम तीसरे स्थान पर काबिज है। मुंबई और गुजरात के बीच में हेड टू हेड मैचों की बात करें तो दोनों टीमें 2 बार आमने सामने हुई है, जिसमें से दोनों टीमों ने 1-1 बार जीत हासिल की है। इस मैच में गुजरात की टीम अगर मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, तो वहीं मुंबई अगर यह मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो प्लेऑफ में पहुंचने के काफी करीब पहुंच जाएगी, इसलिए इस मैच में आपको कई रंग देखने को मिलने वाले हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई। पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने 1666 में आगरा पहुंचे। एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक जय कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन करने वाले कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म 1875 में हुआ। पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल बीरेन जय शाह का जन्म 1926 में हुआ। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन का जन्म 1945 में हुआ। राजनीतिज्ञ एवं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म 1989 में हुआ। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 में हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
पालघर में आज हम बात करेंगे वाहन में पेट्रोल भरने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे वाहन में पेट्रोल भरने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि @IndianOilCL ने चेतावनी दी है और अपने वाहन में अधिक से अधिक पेट्रोल नहीं भरने को कहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। निर्माता द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक वाहनों में ईंधन भरना पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्विटर पर जल्द शुरू होगी वॉइस और वीडियो कॉलिंग। एलन मस्क ने ट्विटर पर आने वाले नए फीचर को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर आने वाली कॉल्स और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सहित कई नई फीचर के बारे में बताया। एलन मस्क ने ट्विटर के नए फीचर से रूबरू कराते हुए कहा है कि जल्द ही ट्विटर पर किसी से भी वॉइस कॉल्स और वीडियो चैट होगी। इससे दुनिया में कहीं भी लोगों को बिना अपना नंबर दिए बात कर सकेंगे। ट्विटर कॉल फीचर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को मेटा सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह लाएगी जिसमें उसी का तरह के फंक्शन होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि कॉल इनक्रिप्टेड होंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इनएक्टिव अकाउंट को हटाया जाएगा, इस वजह से फॉलोवर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें कि ट्विटर के इस नए फीचर से फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पर मैसेजिंग अभी भी उपलब्ध है लेकिन इनक्रिप्टेड नहीं है। विदेश से MBBS कर लौटे स्टूडेंट्स इन कॉलेजों में कर सकते हैं इंटर्नशिप। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना MBBS विदेश से किया है और अब वे भारत वापस लौट आए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC के द्वारा एक साल के लिए अपने मानदंडों में ढील दी गई है जिसके तहत अब विदेश से MBBS पढ़कर आए स्टूडेंट्स को इंटर्न के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद गैर सक्षम अस्पतालों में इंटर्नशिप कर सकेंगे। बता दें कि इस योजना के तहत अगले साल मई तक देश के 673 नामित अस्पतालों में इंटर्नशिप की अनुमति दी जाएगी। मालूम हो कि यह व्यवस्था खासतौर पर उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए ली गई है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पिछले साल चीन और यूक्रेन में पूरा किया है और कोरोना संक्रमण व यूक्रेन युद्ध के कारण भारत वापस आ गए हैं। बीते दिन माधुरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने माधुरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंजलि कुमार, कुश कुमार यादव, योगेंद्र रजक, प्रमोद राम, शंकर मुखिया, अंशु कुमार, अतीक खान, मोहम्मद जफर, अनवर करीम खान, पीके पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविंद्र, बाबूलाल मरांडी, देव देवानंद देव, तबरेज आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार RCP सिंह और सुहेली मेहता के BJP में शामिल होने से JDU को कितना नुकसान होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।